हर ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल Next News 9 चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। भारत पर अकेले भारी पड़ा ये श्रीलंकाई, 6 ओवर में बिना रन दिए झटके 3 विकेट। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच कोलकाता में खेला जा रहा है। गुरुवार को मैच के पहले दिन मेहमान टीम के बॉलर सुरंगा लकमल ने जबरदस्त बॉलिंग करते हुए टीम इंडिया की हालत खराब कर दी। अपने 6 ओवरों में उन्होंने बिना कोई रन दिए लोकेश राहुल 0, शिखर धवन 8 और विराट कोहली 0 का विकेट लिया। इसके साथ ही वे एक इनिंग में बिना रन दिए 3 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे बॉलर भी बन गए। टीम पर हमले के बाद टल गया था डेब्यू। हम्बनटोटा जिले में जन्मे लकमल ने स्कूली दिनों से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। 6.2 फीट हाइट वाले सुरंगा लकमल राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। श्रीलंकाई टीम में सुरंगा लकमल का सिलेक्शन पहली बार साल 2009 में हुआ था, जब पाकिस्तानी टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान गई थी। ये वही टूर था जिसमें श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकी हमला हुआ था। उस हमले में लकमल को भी काफी चोट आई थी। इसके बाद लकमल ने अपना वनडे डेब्यू भारत के खिलाफ दिसंबर 2009 में किया था, वहीं टेस्ट डेब्यू नवंबर 2010 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए किया था। सुरंगा श्रीलंका के हम्बनटोटा जिले से निकलकर नेशनल टीम में शामिल होने वाले पहले क्रिकेटर हैं। उनके अलावा 2 और क्रिकेटर वहां से निकले, लेकिन वे देश के लिए नहीं खेल सके। शुरुआत में स्टेमिना थी कम। सुरंगा लकमल जब स्कूल में थे तभी वे अपनी बॉलिंग से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगे थे। उन्होंने देबिरवेवा सेंट्रल स्कूल से पढ़ाई की, वहीं इसके बाद गाले के रिकमंड कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज लेवल पर आने के बाद कोच उन्हें सीरियसली लेने लगे। इसके बाद उन्होंने तमिल यूनियन टीम से डोमेस्टिक क्रिकेट खेला। लकमल की हाइट, उनकी बाउंसी बॉल और कम उम्र में ही स्विंग कराने की उनकी क्षमता ने अलग अलग कोचों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि इतनी खूबियों के बाद भी उनमें एक कमी थी कि उनका स्टेमिना ज्यादा नहीं था। इस वजह से वे लंबी स्पेल नहीं डाल पाते थे। स्टेमिना की कमी से जूझ रहे लकमल ने जब कोलंबो में क्रिकेट अकेडमी में एडमिशन लिया, जिसके बाद उनके कोच ने इस कमी को दूर करने के लिए इस पर काम शुरू किया। यहां से लकमल का सिलेक्शन श्रीलंका ए टीम के लिए हुआ और फिर वे नेशनल टीम तक पहुंच गए। श्रीलंका ए टीम के कोच रहे चंद्रिका हथुरुसिंगा ने साल 2008 में जिन 3 क्रिकेटर्स को भविष्य का बताया था, उनमें से एक लकमल भी हैं। लकमल ने बनाया रिकॉर्ड। कोलकाता टेस्ट के पहले दिन लकमल ने बिना कोई रन दिए 3 इंडियन बैट्समैन को आउट किया। ऐसा करते ही वे एक इनिंग में बिना रन दिए 3 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे बॉलर बन गए। उनसे पहले टेस्ट मैच की एक इनिंग में बिना रन दिए 3 विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के रिची वैनो ने 1959 में बनाया था, जब उन्होंने भारत के खिलाफ 3.4 ओवर में बिना कोई रन दिए 3 विकेट लिए थे। लकमल ने इस मैच की पहली ही बॉल पर लोकेश राहुल को आउट कर दिया। इससे पहले दिसंबर 2010 में भी उन्होंने वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल को मैच की पहली ही बॉल पर आउट किया था। टेस्ट क्रिकेट में 2 बार ऐसा करने वाले वे दुनिया के इकलौते बॉलर बन गए हैं। वहीं लोकेश राहुल टेस्ट मैच की पहली बॉल पर आउट होने वाले भारत के 6ठे बैट्समैन बन गए। उनसे पहले सुनील गावस्कर, सुधीर नायक, डब्ल्यू रमन, शिव सुंदर दास और वसीम जाफर मैच की पहली बॉल पर आउट होने वाले इंडियन हैं। इसे बताते हैं लाइफ का टर्निंग प्वाइंट। लकमल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं 13 साल का था, मेरे कोच ने मेरी बॉलिंग को देखा और मुझे गाइड करना शुरू कर दिया। इसके बाद मुझे अंडर 13, 15, 17 और 19 टीम में खेलने का मौका मिला। मुझे 15 साल की उम्र में ही अंडर 19 टीम में खेलने का मौका मिल गया था। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोच अशोका कुमारा और पूर्व नेशनल फास्ट बॉलिंग कोच चंपक रामनायके ने मेरा एडमिशन गाले के रिकमंड कॉलेज में कराया। यही मेरे करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। रिकमंड कॉलेज में पहुंचने से पहले तक मैंने कभी टफ विकेट पर क्रिकेट नहीं खेला था। यहां पहुंचने के बाद दूसरे बॉलर्स से कॉम्पीट करने के लिए टफ विकेट पर मुझे काफी मेहनत करना पड़ी।
ऐसा रहा है क्रिकेट करियर। लक्मल ने अब तक अपने टेस्ट करियर में 39 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 88 विकेट लिए हैं। वहीं वनडे करियर में उन्होंने 67 मैच खेलकर 90 विकेट लिए हैं। T20 फॉर्मेट के 7 मैचों में उनके नाम पर 7 विकेट हैं। वे टेस्ट मैच की पहली ही बॉल पर विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बने थे। ये कारनामा उन्होंने कोलकाता में हो रहे सीरीज के पहले टेस्ट में एक बार फिर दोहराया, जब उनकी बॉल पर लोकेश राहुल विकेट के पीछे निरोशन डिक्वेला को कैच दे बैठे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए।